हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। हमारे एक भाई का सवाल आया था, संजय साहू का। भाई ने बोला था कि बकरी को बच्चा देने के कितने दिन बाद गाभिन करवाना चाहिए। बहुत ही अच्छा सवाल था भाई का, इस वजह से वीडियो बनाकर जवाब दे रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपकी बकरी को लोग बोलते हैं कि 1.5 महीने का टाइम दीजिए बकरी को दोबारा बच्चा मतलब गाभिन करवाने में, दोस्तों मेरे ख्याल से आपको कम से कम 2 महीने का टाइम आपको आपकी बकरी को देना ही चाहिए दोबारा से मतलब गाभिन करवाने में। अगर आपकी कुछ बकरियां जैसे कि मेरे पास बर्बरी नस्ल की बकरियां हैं, 21वें दिन हीट में आ जाती है। ये मेरे पास एक बकरी है, मैं आपको दिखाता हूँ। सभी बकरियां 21वें दिन हीट में नहीं आती दोस्तों, ये बात भी आप कन्फर्म कर लीजिए। ये वाली गोट है 21वें दिन हीट में आ जाती है दोस्तों, क्रॉसिंग नहीं करवाता। कम से कम इसको 2 महीने का टाइम देता हूँ साथियों। अगर आप जैसे ही हीट में आती है उसको क्रॉस करवा देंगे तो आपकी बकरी की जो हेल्थ है दोस्तों, जहाँ आपकी बकरी ने 10 बार बच्चा देना है ना, वहाँ आपकी बकरी मान के चलिए 6 बार ही बच्चा देगी। अगर आप बकरी को टाइम दे रहे हैं कम से कम 2 से 3 महीने का, मतलब 2-3 महीने का कम से कम टाइम दो ही दो, ठीक है, 2 महीने से प्लस ही दो। अगर इतना आप टाइम दे रहे हैं तो आपकी बकरी की हेल्थ पे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। दूध की कैपेसिटी बिल्कुल बरकरार रहेगी, आने वाला बच्चा है वो भी हेल्दी होगा, ठीक है। जैसे मान के चलिए आप बकरी को 1 महीना हुआ, 1 महीने बाद आपने क्रॉसिंग करवा दिया, ठीक है, दूसरा बच्चा जो बच्चे दिए हुए वो भी कमज़ोर रह जाएंगे, ठीक है, बकरी की हेल्थ पे भी साइड इफेक्ट पड़ेगा, उसकी हेल्थ नहीं बढ़ पाएगी, आने वाला बच्चा भी कमज़ोर पैदा होगा। तो इस चीज़ के बहुत आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे साथियों। कोई भी अगर नस्ल की ब्रीड है कम से कम उसको 2 महीने से प्लस टाइम दीजिए, 2 से 2.5-3 महीने का टाइम उसको देना ही देना है आपको, नेक्स्ट टाइम मतलब नेक्स्ट उसको क्रॉसिंग करवाने के अंदर, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी है, मतलब ज़्यादा लालच के अंदर आके अगर आप उसको क्रॉस करवा देते हैं तो आपका नुकसान है, फ़ायदे की जगह आप नुकसान में ही जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो 2.5-3 महीने का आप वक्त लिया कीजिए साथियों, नेक्स्ट टाइम मतलब नेक्स्ट ब्रीडिंग के लिए, ठीक है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। धन्यवाद साथियों।